गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वज्रगुणन विधि क्रॉस मल्टीपल मेथड के बारे में अध्ययन किया था और उस वीडियो उसके पर्सनालिटी 3.5 को भी पूरा अच्छे से समाप्त किया था। अगर आपने वो पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वहां पर हमारा जो टॉपिक था वज्रगुणन विधि समाप्त हो गया था, उसी के साथ में बीजगणित के तीनों विधियां प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन तीनों समाप्त हो गए। आप सभी को तो बिल्कुल अच्छी तरह से तीनों में महारत हासिल हो गया होगा क्योंकि इतने बार आप बनाए होंगे और तीनों विधि और ऊपर ग्राफी विधि, चारों विधि हम लोग की समाप्त हो गई है। आप हमेशा एक दो दिन अल्टरनेट करके कभी कभी आप लोग 10 दिन 15 दिन बाद एक बार जरूर इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा तो वो पूरा चीज याद रहेगा आपको, ठीक है। तो वज्रगुणन विधि तो समाप्त हो गया। अब जो आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वह है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। मतलब ऐसे समीकरण आपको दिए होंगे जो दो चर वाले नहीं होंगे, दो चर वाले होंगे पर वो रैखिक नहीं होंगे, रैखिक के अलावा बट्टे में होंगे। तो उनको बट्टा से रैखिक में चेंज करना है और चेंज करके तब हमें मान प्राप्त करना है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, इसमें ये रैखिक समीकरण है नहीं है क्योंकि एक्स बट्टा में है और बट्टा में मतलब एक्स की कितनी घात होगी, -1। जो -1 घात होती है तो रैखिक समीकरण तो होता नहीं है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण नहीं है। परंतु इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण के रूप में पहले बदलेंगे और तब इसको हल करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इस टाइप का कभी भी आपके सामने कोई सवाल आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो सवाल को पहचानने का तरीका, इनके x और y जो होंगे वो बट्टे में होंगे, कहां होंगे, बट्टे में। तो याद रखिए जिसके x और y बट्टे में होंगे आपको समझ लीजिएगा ये चेंज करने वाला सवाल है, मतलब कि बदलने वाला सवाल है, बदले जा सकने वाले, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग करते हैं, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y = 13/6। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, सवाल में देख रहे हैं 1/x है, यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y है। अर्थात 1/x जो रैखिक नहीं है तो 1/x को पहले रैखिक बना देंगे। रैखिक बनाने के लिए दोनों में 1/x है तो लिखेंगे माना कि 1/x, 1/x के और दो को मत गिनिएगा, 1/x बराबर कुछ मान लेते हैं, क्या माने, कोई अदर चर मान लेते हैं, x और y तो मान सकते हैं। तो अदर चर में आप मान सकते हैं u मान सकते हैं, v मान सकते हैं, w मान सकते हैं, m मान सकते हैं, n मान सकते हैं, o। तो बेहतर जो आपको लगे वो मान सकते हैं, मेरे को तो बेहतर u और v लग रहा है, तो हम क्या मानेंगे, u और v मानेंगे, ठीक है। तो 1/x बराबर हमने क्या मान लिया, u तथा 1/y बराबर हमने मान लिया 1/y, इसमें 1/y है, इसमें 1/y है, तो इस पर बराबर हमने क्या मान लिया, b। मतलब 1/x = u, 1/y = v मान लिया, ठीक है। अब ध्यान से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। इस मान को समीकरण एक और समीकरण दो में रखने का, 1/x के लिए u रखना है तो 1/x है तो 1/x के लिए u हो गया, तो u के बट्टा में क्या होगा, बट्टा में ना तो है प्लस, ठीक है, एक बटा वाई है तो वाई की जगह हमको क्या रखना है, वी, तो वी बटा क्या हो जाए, 3/2। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 3 हो गया। फिर इसी तरह इसको भी चेंज कीजिए, 1/x, तो 1/x को क्या लिख सकते हैं, यू बटा टी प्लस 1/y, वाई की जगह पर हमको वी बटा 2 = 13/6। समीकरण नंबर 4, कोई दिक्कत, और इसको हल्का करना है, और हल्का करना है, बट्टा में 2 और 3 है, इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं, और हल्का हो जाएगा। चलिए लघुत्तम भी निकाल देते हैं, लघुत्तम निकाला गया इसका 2 और 3 का लघुत्तम 6, और हल्का करना है तो आपको 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 में 6 से भाग देंगे 3, 3 में 20 से तो 3u प्लस 6 में 3 से भाग देंगे तो 6, 3 गुना 6, 2 में 20 से 2b = 2।
ठीक है, या इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3u + 2v = 6 × 12। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये तीन था तो ये क्या बन गया, 5। ठीक है, और हल्का करना है तो उसको हल्का कर सकते हैं, तो यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, हम हल्का कर रहे हैं, इसी टाइप से इसको भी सॉल्व कीजिए, लघुत्तम निकालिए, 3 और 2 का लघुत्तम 6, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2, 2 में 3 से 2u + 2 में 20 से 2 में 6 से 3, 3 में 20 से 3v = 13/6, ये 6 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2u + 3v = 13/6 और गुणा में ऊपर चला जाएगा 6, 6 से 6 कट गया मतलब क्या बचा 2u + 3v = 13, समीकरण नंबर क्या होगा 6। अब बोलिएगा कि हमने ये क्यों किया, क्यों सॉल्व किया, तो हमने इसको बट्टा अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने बट्टा को हटा दिया, पर आप यहाँ बट्टा से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, पर तो आसान के लिए हम लोगों ने बट्टा को हटा दिया, बट्टा का जोड़ करके उधर भेज दिया, बट्टा को कर दिया। अब हमारे पास इक्वेशन कौन से प्राप्त हुई, 5 और इक्वेशन 6, दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 5 में यहाँ पे 3 है, यहाँ पर क्या है 2, तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि क्या कहता है कि कोई एक पद बराबर होना चाहिए, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे इसमें किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, इसमें किससे 3 से, तो लिखेंगे समीकरण 5 में किससे 2 से तथा 6 में, इंग्लिश पूरा लिख दीजिए, समीकरण 6 में किससे गुणा हो रहा है, यहां 3 से हो जाएगा, 3 से गुणा करने पर गुणा किया जाए, चलिए भाई यहां गुणा करते हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं तो 2 यहां उतारे, चलिए उतार लेते हैं, 2 × 6 u, 2 में से 2 × 4 v = 12 × 24, इसमें गुणा करिए, इसमें 3 से 3 × 6 u, ये समीकरण नंबर कितना हो गया 7, 6 था 7 हो गया, 3 × 6 u + 3 × 9 v = 13 × 39, समीकरण नंबर 8, समीकरण 8 हो गया और 1 हो गया 7, तो समीकरण 7 और 8 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण घटाएंगे क्योंकि दोनों चीज समान है, तो समीकरण 7 को 8 से घटाने पर, चलिए घटाया जाए, चलिए ऐसे नहीं लिखा जाता है, हिंदी थोड़ा अच्छे से लिखा जाएगा, समीकरण 7 में से समीकरण 8 को घटाने पर, ठीक है बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, चलिए 7 क्या है 6u + 4v = 24, समीकरण 7 और 6u + 9v = 39, समीकरण नंबर 8, चलिए घटाया जाए भाई, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये तो पूरा कट गया, कट गया तो 4v + 9v - तो माइनस का ज्यादा है, 9 में से 4 गया 5v, और 39 माइनस का 24 प्लस का तो माइनस का ज्यादा है, तो माइनस 39 में से 24 गया तो 15, माइनस से माइनस कट गया, चाबी मत काटिए, अब काट दीजिएगा v बराबर माइनस का 15/-5, माइनस माइनस कर गया 5 किया 15, v बराबर कितना आ गया 3 आ गया, मतलब हमें v का मान प्राप्त हो गया, अब v का मान कहां रखिएगा तो किस में रख सकते हैं, एक में तो है ये v, 2 में है ये नहीं, 3 में है पद बट्टा वाला, छोड़ दीजिए 3 में नहीं जाता, 4 में बट्टा वाला है, 5 में बट्टा वाला नहीं है तो 5 में रखिए, आप देखिएगा जिसमें भी रखिएगा उसका मान निकल जाएगा, जैसे इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, पर अब हम देखेंगे जो आसान हो उसमें रखते हैं, तो 5 आसान दिख रहा है, तो v का मान समीकरण 5 में रखने पर, चलिए 5 क्या है भाई 3u + 2v = 12, 3u + 2v = 3 = 12, ठीक है 3u, 3 × कितना हो गया 6 = 12, 3u 12 और ये 6 जरा कि माइनस का 6 हो गया,
तीन यू बराबर 12 में से छह किया 6, तो यू बराबर 6/3, 6/3 ध्यान से देखिएगा, 6/3 बराबर कितना जाएगा 2, मतलब यू का मान कितना आ गया 2, अभी का मान आ गया 3, यू और बी का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपने समीकरण को ध्यान से रखा। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, यहां तक मैं ग्रुप के मैं बता रहा हूं, पहले आपको क्या करना है, सवाल उतारना है, सवाल में देखना है कि अगर बट्टा में है तो उसको आपको मानना है, जो जी बट्टा में उसको मानना है, अंक मत मान लीजिएगा, चर को केवल मानिए। 1/x बट्टा में है तो 1/x बराबर u, 1/y बट्टा में है तो 1/y बराबर v, जो मान है उसको रखिएगा, समीकरण प्राप्त होगा। अगर समीकरण अभी भी बट्टा में है तो उसको आप लघुत्तम निकाल करके बट्टा को हटा दीजिएगा, समीकरण 5 बन गया, समीकरण 6 बन गया। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर करना, तो गुणा करने पर गुणा किया गया समीकरण प्राप्त हुआ, उसको घटा दीजिएगा, v का मान और x का मान दोनों का मान हमें प्राप्त, v और u का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब मिला देते हैं इसको केवल, ठीक है, एक बट्टा एक्स बराबर यू का मान कितना आ गया दो, x बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/2। उसी प्रकार से यहां पे भी 1/y बराबर आपने क्या माना था, v, 1/y बराबर v का मान कितना है 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये कहां जाएगा नीचे, अतः x का मान कितना आ गया हमारा, अतः x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 बन गया। ओके कि नहीं, बिल्कुल ध्यान से आप कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से, पहले आपको क्या करना है, ध्यान से पहले देखिए, सबसे पहले जो आपके चर मान है बट्टा में उसको पहले मानना है, मानने के बाद जो समीकरण प्राप्त होगा उस समीकरण को सॉल्व करना है, सॉल्व करके यू और वी का मान प्राप्त करना है, किसका मान, यू और वी का मान, किस विधि से सॉल्व करना है, तो विलोपन विधि से सॉल्व करना है। करने के बाद से जो आपने माना था, जो आपने माना था उस वाले मान को यहां रख दे रहा है, जैसे हमने माना था 1/x बराबर u 1/v u y बराबर v, तो जो मान रखा रखने के बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का हम मान प्राप्त करेंगे, x का मान 1/2 और y का मान 1/3। ये क्लियर हो गया, यहां तक तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से इसको फेयर कर लीजिए, इसके बाद अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 3.56 का पहला नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखा था, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सेम वही सवाल है, थोड़ा सा अंतर कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर क्या है, 2/√x + 3/√y बराबर 2 और 4/√x - 9/√y बराबर -1। यहां हम देख रहे हैं x का मान रूट में और y का मान रूट में, अर्थात रूट मतलब x की घात कितनी, 1/2। अब जब रूट में है तो ये तो रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है, और रैखिक समीकरण जब नहीं होगा तो इसको रैखिक में हम चेंज कर सकते हैं, तो रैखिक में चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, किसको मान लेंगे, इन जो आपका बट्टा में है उस चीज को मान लेंगे। चलिए तो मानते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि ये पहले इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इसमें इक्वेशन लंबा बनते जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना बन जाए, कभी कभी 10 12 भी बन जाएगा, याद रखिएगा। माना 1/√x बराबर आपने क्या मान लिया u, और 1/√y बराबर आपने क्या मान लिया v, दोनों याद रखिएगा, जो आपका बट्टा में है उसको हमने मान लिया 1/√x/u और 1/√y/v। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, इस मान को कहां रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में इस मान को रखने पर, इस मान को समीकरण 1 और 2 में रखने पर। अब आपको देखेगा, मैं हमने पिछले वाले सवाल में नहीं लिखा था, अब भूल गया, मैं तो नहीं लिखे होंगे,
अब यहां रखा जाए इस मान को, एक बटा एक्स बराबर यू, तो दो एक बटा एक रूट एक्स का मान यू, तो यू हो जाएगा। भाई बटन में है ये वाला पार्ट बटन में, परंतु यू तो ऊपर है ना, तो यू ऊपर आ जाएगा। प्लस पी, ये भी बटन है, तो बटा की जगह हमने यू भी माना है, तो बटा की जगह भी बराबर दो। और दूसरा चार रूट एक्स का मान यू, और प्लस प्लस नहीं माइनस नौ, और इसका मान हम लोगों ने एक बटा रूट वाई का मान भी माना है, बराबर माइनस का एक। समीकरण नंबर तीन, समीकरण नंबर चार, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब बटा में नहीं है तो हमको तो सॉल्व करना आराम से हो सकता है। यहाँ दो है, यहाँ चार है, अगर हम इस वाले समीकरण में केवल दो से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर करना है ना, वो भी कर सकते हैं, या अंदर वाले में यहाँ तीन है यहाँ नौ है, तो इसमें तीन से गुणा कर दे। कोई एक काम करना होगा, कोई एक काम बोलिए क्या करना है, आप जो मर्जी हो वो आप कर सकते हैं, मेरी जो मर्जी है मैं वो करूंगा। मेरे को मन कर रहा है कि मैं तीन वाले को बराबर करूं, नहीं चलिए दो वाले को बराबर करते हैं। तो दो वाले को बराबर करने के लिए क्या लिखेंगे, समीकरण तीन में, तीन है तीन में दो से गुणा करने पर, चलिए गुणा किया जाए, समीकरण तीन ये है, इसमें दो से गुणा करते हैं, दो में यू से दो दुना चार यू, प्लस तीन में भी दो दो से तीन दुना छह भी, बराबर दो दुना चार। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये पांच हो गया, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है, तीन के बाद चार और चार के बाद पांच ना होगा, पांच तो हो गया। अब हमारे पास समीकरण चार हो गया और कौन हो गया पांच, अब दोनों को सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण घटाने पर करना होगा, ये मतलब चार का सेम है, चिन्ह सेम है, तो घटाने पर लिखेंगे समीकरण चार को पांच से घटाने पर, ठीक है, या चार में से पांच को घटाने पर, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए चार में से समीकरण पांच को, समीकरण पांच को घटाने पर, घटाया गया चार क्या है भाई, तो चार चार यू माइनस नौ भी बराबर माइनस का एक, चार है ये, और पांच क्या है हमारा, पांच क्या है चार यू प्लस छह भी बराबर चार, पांच हो गया पांच समीकरण नंबर। घटाने पर करना है तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ये हो गया प्लस, तो हो गया ये माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये भी प्लस तो ये माइनस, ये तो कट गया, ये दोनों माइनस का चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएगा, नौ और छह कितना हो गया पंद्रह भी, वो भी माइनस था, और यहाँ माइनस का एक और माइनस का चार, तो माइनस का कितना हो जाएगा पांच, भी बराबर माइनस का पांच बटा माइनस का पंद्रह, माइनस माइनस कट गया, पांच एक कम पांच और पांच यहाँ पंद्रह, भी बराबर एक बटा तीन, भी का मान एक बटा तीन, अब भी का मान कहाँ रखने पर, समीकरण किसमें किसमें रखा जाएगा, भी तो यहाँ है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ मतलब समीकरण तीन में रखने पर, भी का मान समीकरण तीन में रखने पर, ठीक है। चलिए भाई तीन उतार लेते हैं, तीन क्या है दो यू प्लस तीन भी बराबर दो, दो यू प्लस तीन भी का मान कितना है एक बटा तीन बराबर दो, दो यू प्लस तीन से तीन कट गया, तीन एक कम एक बराबर दो, दो यू बराबर दो प्लस आगे रख माइनस का एक, दो यू बराबर दो में से लिख गया एक, यू बराबर एक बटा दो, मतलब भी का माना गया एक बटा तीन और यू का माना गया एक बटा दो, तो यहां पर दोनों का अलग अलग कर लेंगे, यू बराबर एक बटा दो और बी बराबर एक बटा तीन, हो गया। परंतु आपने माना क्या था यू बराबर, तो यू बराबर आपने माना था एक बटा रूट एक्स, तो हमने माना था चूंकि एक बटा रूट एक्स बराबर यू, इधर एक बटा रूट वाई बराबर भी, तो एक बटा रूट एक्स बराबर यू की जगह पे कितना एक बटा दो, इधर एक बटा रूट वाई
बराबर एक बटा तीन। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा दो, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाई बराबर हो जाएगा तीन। रूट एक्स भाई रूट है, रूट उधर अगर बराबर की उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। मैं यहां से सवाल को मिटा दे रहा हूं, ठीक है, सवाल को मिटा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। रूट एक्स क्या था वहां, रूट एक्स बराबर दो था और था क्या, रूट वाई बराबर तीन। तो ये रूट है इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट जब भी इधर आता है तो स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि जहां अगर वर्गमूल है, वर्गमूल बराबर की इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। या इधर भी बराबर की इधर आएगा तो क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स बराबर, या ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक हिंदी याद लिख दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ चाहे ऐसे डायरेक्ट लीजिए, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, इधर भी लिख दीजिए वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर किया जाएगा तो रूट एक्स का स्क्वायर बराबर दो का स्क्वायर, इधर हो जाएगा रूट वाई का स्क्वायर बराबर तीन का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया। रूट एक्स से स्क्वायर कट गया तो एक्स बराबर कितना हो गया, दो का स्क्वायर चार। रूट वाई से स्क्वायर कट गया, वाई बराबर तीन, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा नौ, तो एक्स बराबर चार और वाई बराबर नौ, ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो समीकरण का हल हो गया, एक्स बराबर चार और वाई बराबर नौ। इस प्रकार से हम कोई भी समीकरण है सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप कीजिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर के। फिर से मैं बता रहा हूं क्या करना होगा, सबसे पहले सवाल देखिएगा, उसमें एक्स और वाई जो भी मान होंगे आपके, उस सभी मानों को देखिएगा कौन बट्टा में है, जो चीज बट्टा में दोनों में मिल रहा हो, दोनों समीकरण में मिल रहा हो उसको आप मान लीजिएगा। मान रखने के बाद से, मानने के बाद से यू और बी जब मान लेंगे तो एक समीकरण प्राप्त होगा, उस समीकरण को आप विलोपन विधि से हल कीजिएगा, क्योंकि विलोपन सबसे आसान विधि होता है। हल करने के बाद से आपको यू और बी का मान प्राप्त होगा और उस यू बी के मान को आप फिर पुनः एक्स के मान में चेंज कर दीजिएगा, कर दीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो मुझे जरूर बताइएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप पहले इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब आ रही है होमवर्क की। तो आज का जो हमारा होमवर्क है वही पीछे वाले सवाल की तरह ही है। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन मैंने दिया है, दो बटा एक्स प्लस तीन बटा वाई बराबर तेरह समीकरण नंबर एक, और पांच बटा एक्स माइनस चार बटा वाई बराबर माइनस का दो समीकरण नंबर दो। ये दोनों को समीकरण है, इन दोनों समीकरण में आपको जो भी लगे उसको मानना होगा, जैसे वन बाई एक्स इसमें भी, वन बाई एक्स इसमें भी, वन बाई इसमें, वन बाई वाई इसमें भी है, तो आप वन बाई एक्स बराबर यू मान सकते हैं, वन बाई वाई बराबर भी मान सकते हैं। तो भी और यू जब मानिएगा तो एक समीकरण प्राप्त होगा, उस समीकरण को दो समीकरण प्राप्त होंगे, सॉल्व कीजिएगा विलोपन विधि से तो यू और भी का मान प्राप्त होगा और यू भी के मान से आप एक्स और वाई का मान प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा अच्छी तरीके से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ गई तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको समझ में आ गया होगा तो सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे आप उसका भेज दीजिएगा, और अगर और भी कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो गया, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट के सवाल को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।